हेलो एवरीवन, वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरे चैनल पे हमेशा ही मैं अपडेटेड रिजल्ट के साथ में जो है प्लांट से रिलेटेड वीडियोस डालती हूँ। तो आज भी पूरा अपडेटेड वीडियो होने वाला है, जिसके अंदर लगाने से लेकर जब तक वो पूरा ख़त्म नहीं हो जाता प्लांट, तो हाँ ये एक सीजनल प्लांट होता है, तो पूरा अपडेट आपको मिलेगा कैसे ग्रो करना है वो सब, तो बने रहिए वीडियो के साथ। इस पौधे को मुर्गा कली नाम से ज्यादा जाना जाता है, और तो बाकी इसके कॉक्सकॉम और बहुत सारे इसके नाम रहते हैं। तो ये एक ऐसा पौधा रहता है जिसको आपको परचेज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने भी नहीं परचेज किया, ये ऐसे ही अपने आप ग्रो हो गया था, मिट्टी में कहीं नर्सरी से आया होगा, और जैसे ही इस पे बारिश का जो पानी है वो पड़ता है, ये अपने आप ही ग्रो होने लग जाते हैं। तो इसके जो बीज हैं वो मिट्टी में पड़े रहते हैं और बारिश का पानी मिलते ही ग्रो कर जाते हैं। प्लांट काफी ज्यादा हार्डी है, रूट डिस्टर्बिंग इसको चलती है, किसी भी टाइप के गमले में लगा सकते हैं, छोटे गमले में भी ग्रो हो जाएगा, कोई पेस्ट अटैक कुछ नहीं है, यहाँ तक कि खाद की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बस पानी जो है आप इसको टाइम टू टाइम देते रहें, और बहुत ही ज्यादा इजी टू ग्रो प्लांट है, बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। ये देखिए कितना छोटा सा पौधा और इसमें फूल आ रहा है। नर्सरी से अगर ये पौधा लेने जाते हैं तो आपको आराम से 20-30 रुपीस में मिल जाएगा। किसी भी टाइप के आप मिट्टी में इसको ग्रो कर सकते हैं, ज्यादा टाइम तक मिट्टी में नमी बनी रहे तब भी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी जब हम पौधे को कोई गमले में लगाते हैं तो एक ड्रेनेज सिस्टम जरूर होना चाहिए, ड्रेनेज होल होना चाहिए उसके अंदर, ताकि पानी जो है वो गमले में ठहरे ना। तो आज है 26 जुलाई, चलिए इस प्लांट को ग्रो करते हैं। तो ये प्लांट जो है मेरे हर गमले में ग्रो हो रखा था, पिछले साल भी हुआ था तो सीड्स इसके बिखर गए थे, इस साल भी वही हुआ, तो मैंने एक प्लांट जो है निकाल के अपने गमले में लगा दिया, बाकी जो छोटे छोटे प्लांट थे वो सब मैंने हटा के जो है ना कंपोस्ट बिन में डाल दिए। सिंपली इसको मैंने लगा दिया है सिंपल सी मिट्टी में, और कुछ तामझाम नहीं करना है, और लगाने के बाद पे छत पे ही रख दिया है। एक दो दिन आपको लगेगा, थोड़ी डाउन जाएंगी इसकी लीफ, लेकिन कोई बात नहीं, मरता नहीं है पौधा, चल जाता है। मैंने तो कितना बड़ा प्लांट लगाया है तब भी सर्वाइव हो जाता है, जड़ें टूट जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और अब इसमें सितंबर के टाइम पे जो है कलियां बनने लग गई हैं। इस पौधे के अंदर कली नहीं बनती है, सीधा ही फूल ग्रो होने लग जाता है, पहले वो छोटा होता है फिर वो साइज में बड़ा होने लग जाता है, तो कोई कली नहीं खिलती है, बस फूल ही छोटे से बड़ा साइज का होता है। और बीज भी ना इसके अंदर पहले से ही होते हैं, 3-4 महीने के बाद में बीज जो है मैच्योर हो जाते हैं, पक जाते हैं, हरे दाने से काले हो जाते हैं। और अब अपडेट है ये नवंबर का, इसके अंदर बहुत सुंदर ये फूल खिले हैं, एकदम वेलवेट कपड़े जैसा फूल लगता है, इसका फूल जो है वो काफ़ी दिनों तक रहता है, और जो ऐसा इसका रेशा रेशा सा रहता है, इसके अंदर जो है बीज होते हैं, इसके ढेर सारे बीज आपको मिल जाते हैं, कम से कम 1000 से ज़्यादा सीड्स बनते हैं एक प्लांट पे। 8 इंच के प्लास्टिक के गमले में लगा हुआ, और इसमें फूल है और इतने सारे बीज हैं, बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है इस पौधे की। इसके बीज छोटे छोटे काले रंग के होते हैं, एकदम चमकते हुए, और ये अपने आप ही बिखर जाते हैं, और बस बारिश का पानी जब लगता है जैसे कि मैंने बताया तब ये ग्रो हो जाता है। इसमें फूल आपको देखने को मिलते हैं बारिश के सीजन से लेके ठंड जब तक अच्छे से स्टार्ट नहीं हो जाती तब तक। इसकी हाइट जो है वो 3-4 फीट तक चली जाती है आराम से। इसके फूल को जब आप टच करते हैं ना बहुत सॉफ्टनेस लगती है इसके फूल में। और जो मेरे पास ये प्लांट है देसी वैरायटी का प्लांट है, बाकी आपको इसके अंदर हाइब्रिड जो रहते हैं प्लांट वो भी मिल जाते हैं, डिफरेंट कलर्स में आपको नर्सरी पे अवेलेबल हो जाएगा विंटर टाइम पे, 20-30 रुपीज़ का प्राइस रहता है, जहाँ बाकी प्लांट जो है फरवरी मार्च के टाइम पे न्यू ग्रोथ दिखाते हैं, बट ये तब है अपनी जो है पूरा ग्रोथ रोक देता है, ख़त्म हो जाता है इसका लाइफ साइकिल पौधे का, और जब जहाँ जहाँ इसके बीज बिखरे होंगे वहाँ से नया पौधा बारिश का पानी मिलते उग जाएगा। आप इन सीड्स को ना आराम से ना किसी भी एयरटाइट कंटेनर या फिर ऐसी पॉलीथिन का बना के आप छोटा सा पाउच वगैरह में भी सेव कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपके पास ये प्लांट नहीं है तो ज़रूर ऐड करें, बहुत ही सिंपल टू ईजी केयर, कोई केयर का प्लांट नहीं है, बस कहीं पे भी अभी आसपास आपको नजर आने लग जाएगा। छोटा सा पौधा मैंने आपको दिखा दिया है कैसा दिखता है, तो आप इजीली उसको ग्रो कर सकते हैं लाके, नहीं तो नर्सरी पे जाके आप ले सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही, आई होप आपको मेरी वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी हो, और वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता ही है, अपडेट वीडियो मेरा रहता है सारा, काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, प्लीज़ सपोर्ट करें मुझे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।